Hi guys, welcome back to my channel Savory Munch. मैं हूँ सरिता और आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ चावल और रबड़ी से बने लड्डू। तो आज मैं बहुत ही स्पेशल तरीके से आप लोगों को लड्डू बनाना सिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, आधे पे वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाए। तो फिर चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चावल का आटा। तो एक कप चावल का आटा लिया है मैंने। अभी चावल के आटे को मीडियम टू लो फ्लेम पे हम भूनेंगे। तो चावल का आटा बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, जब चावल के आटे से थोड़ी सी खुशबू आने लगे उसके बाद हम गैस बंद करेंगे, तब तक हम चावल का आटा भूनेंगे। और ये जो लड्डू है बनाना बहुत ही आसान है, इसमें घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ऐसे ही आप काफ़ी स्वादिष्ट लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसमें से अभी हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है, तो थोड़ा सा और हम भून लेते हैं। तो आप कोई भी चावल का आटा ले सकते हैं, आप घर पे तैयार कर सकते हैं या फिर आप मार्केट में जो रेडीमेड चावल का आटा मिलता है वो चावल का आटा भी आप खरीद के ला सकते हैं लड्डू के लिए। मैंने रेडीमेड चावल का आटा लिया है लड्डू बनाने के लिए। तो अभी ये भून के तैयार हो चुका है, तो इसके अंदर अभी एक छोटा कप नारियल का बुरादा डालेंगे। ये रेडीमेड सूखा नारियल का बुरादा है, तो वो डालेंगे और बस एक से दो मिनट हम इसे भूनेंगे और उसके बाद हम गैस बंद करेंगे। जब चावल का आटा भून के लगभग तैयार हो जाए तो लास्ट में हम नारियल डालते हैं और थोड़े देर के लिए भून के उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसे छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर हम आगे लड्डू बनाने का तैयारी करेंगे। तो अभी लड्डू मैं किस तरीके से बनाऊँगी वो भी आप देखिएगा। तो गैस बंद करने के बाद तुरंत नहीं छोड़ना है, एक दो मिनट चलाए उसके बाद छोड़े, क्योंकि कढ़ाई गर्म रहता है तो आटा जल सकता है। तो अभी लड्डू बना लेते हैं, आटा अभी भी गर्म है। अभी इसके लिए मैंने रबड़ी तैयार किया है, तो आधा लीटर दूध का मैंने रबड़ी तैयार किया है। तो आधा लीटर दूध, जब 500 ग्राम दूध जो होता है वो 250 ग्राम पे आ जाए उसके बाद आप गैस बंद कर दें। साथ ही मैंने एक कप शक्कर पीस के ले लिया है, मैंने घर पे तैयार किया है पीस के। उसके बाद काजू और बादाम मैंने काट लिया है और मैंने 4 से 5 इलायची कूट कर ले लिया है। तो अभी हम लड्डू बनाते हैं। तो नॉर्मल गरम आटे में ही हम सारा मिश्रण डालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ शक्कर। तो मैं शक्कर में बना रही हूँ, आप ये जो लड्डू है ये गुड़ में भी बना सकते हैं, गुड़ में भी ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। तो अगर आप शक्कर नहीं खाते होंगे तो ये लड्डू गुड़ में बना के तैयार करें। शक्कर डालने के बाद इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर अभी ऐड कर दूँगी मैं इलायची। इलायची डालने के बाद ड्राई फ्रूट डाल दिया है मैंने। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें रबड़ी डालेंगे और मिक्स करेंगे। आप अगर रबड़ी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसके जगह कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंडेंस मिल्क में भी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसके जगह घर का जो मलाई होता है वो निकाल के उसमें ये लड्डू बना सकते हैं। ये बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और हर तरीके से लड्डू बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाता है, स्वाद में भी बहुत अच्छा बनता है ये। लेकिन ये जो रबड़ी वाला लड्डू है इसका स्वाद जो है वो सबसे हटके आता है। मैंने घर पे इसे पहले बना के खाया है और मुझे बहुत पसंद आया था इसका टेस्ट, इसीलिए रबड़ी वाला लड्डू आप लोगों के लिए भी ले कर आई हूँ मैं। तो रबड़ी डालने के बाद तब तक मिक्स करें जब तक कि ये शक्कर और रबड़ी आटा तीनों एक साथ अच्छे से मिक्स न हो जाए, तब तक इसे मिलाए। और ध्यान रखिएगा इसमें पूरा पूरा शक्कर बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, कभी भी पीस के ही यूज़ करें। तो अभी ये रेडी हो चुका है, तो अभी हम लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू आप अपने हिसाब से जिस साइज में बनाना चाहते होंगे वो साइज में आप लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि चावल आटे का लड्डू ज़्यादातर एकदम वाइट होता है, लेकिन मैं इसको रबड़ी में बनाई हूँ इसीलिए इसका कलर जो है थोड़ा सा गोल्डन टाइप आया है, पर टेस्ट जो है इसका बहुत अच्छा आने वाला है। अगर आपने इससे पहले कभी इस टाइप का लड्डू ट्राई नहीं किया होगा तो ज़रूर बनाइएगा घर पे। तो ये देखिए कितना मस्त लड्डू बनके तैयार हुआ है और इसमें घी भी नहीं डाला है मैंने,
क्योंकि रबड़ी में से भी अपना घी निकलता है और वो अपने आप सॉफ्ट और अच्छा लड्डू बनके तैयार हो जाता है। तो इसी साइज में हम बड़ा बड़ा लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। लड्डू बनने के बाद आपको बताऊंगी कि कितना लड्डू बनके तैयार हुआ है इतने से मटेरियल में, तो भी आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। और ये लड्डू जो है ये आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं और खा सकते हैं। अभी दिवाली भी कुछ टाइम में आ जाएगा तो आप दिवाली में भी इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो लड्डू के ऊपर से मैं थोड़ा सा पिस्ता डाल रही हूँ। पिस्ता ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहे तो लगाए, नहीं तो आप ऐसे ही खाए। पिस्ता लगाने से इसका लुक आप देखिए कितना अच्छा निखर के आया हुआ है। तो पिस्ता की जगह आप इसके ऊपर बादाम भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके से आप ये लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने मटेरियल में मैंने लड्डू बनाया था ये पूरा 14 लड्डू बन के तैयार हुआ है। तो फिर देर न करें, आप भी अपने घर पे स्वादिष्ट लड्डू बनाएं और इंजॉय करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो ये लीजिए गाइस, हमारा टेस्टी और यम्मी लड्डू बनके तैयार हो चुका है। तो अगर आपको लड्डू की रेसिपी पसंद आ गई हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाए। साथ ही अगर आपको लड्डू की रेसिपी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।